तो स्टूडेंट आप पहुंच गए हम लास्ट वीडियो पे अपनी सीरीज की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सीरीज थी। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए अभी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यू टू 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स। देखो 10% फॉल, इसका मतलब है प्राइस में क्या हुआ है, चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन प्राइस 10% माइनस 2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है, फॉल हो गया तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद बोलता है इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स। तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी निकाल सकते हैं। कैसे, Q1 माइनस Q अपॉन Q इनटू 100, सो इट विल बी 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी 20%। तो आपके पास ये सब कुछ आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वो कितना है 20% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो है -10। सो यहां से माइनस कट जाएगा, ईडी इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास 2 आ गया। अब बोलता है हाउ मच परसेंटेज विल इट्स डिमांड फॉल ड्यू टू 10% राइज इन इट्स प्राइस। अगर मान लो ये था प्राइस में फॉल, अगर प्राइस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर राइज होता है, इसका मतलब 10% पॉजिटिव होगा। सो और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम ये वाला लेंगे अब 2। तो अब क्या बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो प्राइस में बोलते हैं, प्राइस में अगर क्या हो जाता है 10% इंक्रीज हो जाता है, तो 10% इस पैसे का 10% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू यहां पे क्या जाएगा आपका इक्वल्स टू 2, ठीक है 2। अब क्या हो जाएगा इनटू 10 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो यह आ जाएगा 20 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सो इट विल बी नेगेटिव में आया ये, ठीक है, तो नेगेटिव में अगर ये आया इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइनस तक आ गया, इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड में इतना फॉल होगा। तो फॉल इन परसेंटेज फॉल इन क्वांटिटी डिमांड विल बी 20%, ठीक है। तो अगर प्राइस 10% इंक्रीज हो जाएगा तो 20% आपके फॉल हो जाएगा। मैंने क्या किया कि इस माइनस को शिफ्ट कर दिया इधर को, तो -20 हो गया, ये पॉजिटिव नंबर का परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांड इज -20, इसका मतलब माइनस है तो ये फॉल होगा इतने से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को करके आपको अब जो भी क्वेश्चन हो, जितना मर्जी टफ से टफ क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आपसे ना हो सके। थोड़ा सा परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चा गलती कर जाता है, तो उसमें माइनस प्लस वाला भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि प्लस कहाँ करना है माइनस, अगर माइनस है तो क्या मतलब है, अगर परसेंटेज के साथ प्लस है तो उसका क्या मतलब है। When the price of commodity, next जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, when the price of commodity A falls from 10 to 5 per unit, its quantity demanded doubles। जब भी डबल्स लिखा होगा इसका मतलब 100%, ठीक है। कैलकुलेट
elasticity of demand and at what price its quantity demand fall by 50%. The last question is, when the price of commodity A falls from 10 to 5, so percentage change in price will be 5 minus 10 divided by 10 multiplied by 100. New price minus old price divided by old price to initial price, both is minus 5 divided by 10 into 100. 10 will be minus 50. So percentage change in price ka matlab hai minus mein hai, iska matlab hai percentage fall in price kitna hai minus 50%. और इससे जब परसेंटेज फॉल इन प्राइस आता है इतना, तो इसका मतलब आपका क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड डबल हो जाता है। डबल में जब भी होगा परसेंटेज, तो एमसीक्यू से डालेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 100%। जब भी डबल होगा तो 100% होगा, क्यों? लास्ट वीडियो में समझाया था, टेंथ ऑफिस है आपके पास, डबल हो जाती है कितनी 20। तो इसको बोलते हैं आपके पास 100% अभी कितना अवेलेबल, 100% टेंथ ऑफिस 100% इंक्रीज हुआ, मतलब इसमें प्लस 10 किया आपने, इसका मतलब 100% आपने ऐड किया तो ये डबल हो गया। तो जब डबल होता है कुछ, इसका मतलब उसमें ऐड कितना होता है 100%, तो 100% आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां से कितनी आ जाएगी, आपके पास चेंज इन प्राइस कितना है माइनस 50 और यहां आ जाएगा 100, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 2। अब इसके बाद बोलता है कि एट व्हाट प्राइस इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 50%। एट व्हाट प्राइस, व्हाट प्राइस का मतलब क्या है, किस प्राइस पे आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो फॉल गिरेगी, कितने परसेंट से, 50% से। बहुत सिंपल है, देखो क्वांटिटी परसेंटेज फॉल इन क्वांटिटी डिमांड कितना है माइनस 50 दिया है, ठीक है। तो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिया है 2, तो यहां पे क्या कहेंगे, ईडी इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो किसका पूछा है, व्हाट प्राइस, व्हाट प्राइस का मतलब आपको परसेंटेज चेंज पहले निकालना है, उसके बाद वो भी निकल जाएगा। कितना दिया है 2 माइनस परसेंटेज चेंज, ये इसमें दिया माइनस 50 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां से क्या आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहां से इधर को आ जाएगा 2, इसके नीचे चल जाएगा, बन जाएगा 50 डिवाइड बाय 225। तो परसेंटेज इंक्रीज पॉजिटिव में आया, ये इसका मतलब है इन प्राइस कितना है 25%। अब आपको वो 20% व्हाट प्राइस, प्राइस निकालना है आपको कि कौन से प्राइस पे। आपके पास पहली प्राइस कितना था, 10 आपके पास प्राइस था, प्लस 25% ऑफ 10, तो ये वाला प्राइस आ जाएगा 25% ऑफ 10 का मतलब है 25 डिवाइड बाय 100 इनटू 10, तो ये कट गया, ये आ गया 10 प्लस 2.5, तो ये आ जाएगा 12.5। इसका मतलब नया प्राइस जो आपका 12.5 होगा उसमें क्या होगा, ये 50% गिरेगी। तो इसके साथ हमारा ये सीरीज खत्म होती है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स अब आपको कंप्लीट होने चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।